अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको हरे लहसुन की चटनी बनाना बता रही हूँ। घर के लिए बना रही थी, सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। इसके लिए मैंने ये एक स्मॉल बंच लहसुन का लिया है, हरे लहसुन का। इसको मैंने साफ करके धो कर कट किया है। इसका मैंने वाइट पोर्शन भी लिया है, इसमें बहुत फ्लेवर होता है, तो ये ज़रूर लीजिए आप। ये देखिए, मैंने सारा वाइट पोर्शन ले लिया है। ये देखिए, इसको भी कट करके रख लीजिए। हरा धनिया लिया है मैंने, और ज़ीरा एक चम्मच लिया है। ये अदरक का एक टुकड़ा लिया है 1 इंच, इसको स्लाइस करके धोकर मैंने रखा है। देखिए ये अदरक है ये, और हरी मिर्च 5 से 7 लीजिए, और नमक। ये वेनेगर लिया है मैंने, अगर आप नींबू पसंद करते तो नींबू ले लीजिए, वरना वेनेगर बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसमें। देखिए बस इसको पीसना है, ये पीस के मैंने रेडी करा है। ये देखिए, हरी लहसुन की चटनी हमारी रेडी है। बहुत मज़े की बनती है ये, सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। इसे आप एयरटाइट डब्बे में बंद करके फ्रीज में 8 दिन भी रख सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत फ़ायदेमंद होती है सर्दियों में ये। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे हम। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।